है भाई। हाँ मैंने पढ़ाया है, मैंने कर दिया, अब उसको फ्लाइट मोड पे। अब मुझे मत दो अभी कुछ भी, कल ही लाना, कल ही देना इनको। ये लाते सामान हर बार, मैं थोड़ा लाती हूँ, मैं सामान कभी लेने नहीं जाती। पार्टी का टाइम बता दो, सुबह दिन में 2:30 बजे से शुरू है, 2:30 बजे आ जाएंगे सब बच्चे भी, 2:30 साढ़े 2। हाँ 2:30 बजे सब बच्चे आ जाएंगे, फिर इन्हीं को पैसे देना। मैं इन्हीं को ही देती हूँ, यही जाते सामान लेने। अभी दे दे, कोई कोई पहले दे देता है, दे दे इसको पैसे, मेरे पास खो जाएंगे, मेरे पास खो जाते हैं। ऐसे पैसे तो नहीं दिया था, दोनों का बेइज्जती करवाऊंगी लड़कियों से, डंडे पड़वाऊंगी लड़कियों से। सोच ले फिर, कोई 11th क्लास की लड़की भी लिया चेक करूंगी। रेड पेन लाकर रखना पड़ेगा है ना, 22 में से तो बंद कर देंगे।
तुम्हारा टेस्ट चेक करूंगी। चलो चलो करो पहले। और इधर इतना ही चैप्टर है, मीड मोड, मीड मोड मीडियन, क्या नाम है चैप्टर, मीन मोड मीडियन रेजिमेंट जो हर बुक में होता है। टेंथ तक तो हर में, टेंथ तक तो है ही हर बुक में। चलो करो ये वाला, इसकी पर्सनल साइज प्रॉपर से टेस्ट करके दिखाओ। हाँ इधर आ जाओ। चलो ये हम बोलते हैं किसी को लाल रेड पेन है, रेड पेन ही खाई कुछ तो दे, वो तो दे इस पे रखो, ये दे मुझे, क्या पता मेरे दिमाग में सब पड़े हैं क्या क्वेश्चन। तेरे सामने रहिए जरा जब, कोई चक्कर नहीं आया, कोई तो काम के निकल, डंडी लेकर आ मेरे पैर जल्दी, इनके दो चार डंडियां ना पड़े ना जब तक छुट्टी नहीं लगेगी पढ़ना। टेस्ट है ना तेरा मैथ्स का, कल इंग्लिश का करके लिखाया था ना, मैथ्स का टेस्ट करना शुरू कर। मुझे लगा कि उसमें लिख के भेजा हुआ था, तो मुझे लगा मैंने लिखी हुई तो भेजा था एसएसटी इसलिए बस। तो एसएसटी क्या होता है, सोशल साइंस किसी का नहीं लाई। चल फिर इसको खोल, कौन से चैप्टर आ रहे हैं इसके, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है वो है, कहाँ तक पढ़ा मैंने इसमें, सिलेबस ही नहीं पढ़ा मैंने तो। मैंने कहा वो इसका है, मैंने कहा ये आएगा तो पूछूंगी किसी वाली स्टडी बुक लेकर आ। बोलो क्वेश्चन नहीं हुई कोई बात नहीं, जीरो नंबर मिलेगा, पढ़ इसको, इसको ना सेल्फ पढ़ में सेल्फ आवाज आ रही पढ़ने की, पूछूंगी मतलब ठीक है, और आंसर तेरे से ही ढूंढवाऊंगी इसमें, पढ़ इसको। हाँ भाई कहाँ से शुरू है, लाओ भाई इधर आओ। फर्स्ट प्लास्टिक बॉक्स इतना मीटर लॉन्ग है, इतना मीटर वाइड है, इतना मीटर डीप है, इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ये क्या है इसका, पीछे जो पीछे एरिया दे रखा, एरिया वो दे रखा है 5.45 मीटर पर स्क्वायर। अरे मैं अपना गूगल खोलूं ना, कौन ही जल्दी मालूम पाएगा, लाने में एक घंटा हो जाएगा, अब तो देख तो लेते, पहले तो मैं यही था एस्टीमेट लगाने के लिए बोल रही थी, देखो कितने का कौन सी क्या चीज आती है, वही तो अभी हमें, अभी तो कह रहा है हर्षित भी आएगा ये भी, आप मुझे तो ये भी कंफ्यूजन है, विधि भी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि वंशिका तो कह रही थी कि मैं कल से आऊंगी, विधि का पता नहीं है, तो ये भी तो कंफ्यूजन है विधि आए ना आए। वो तो कितने आ जाएंगे सामने उस हिसाब से ही होगा ना, तो हम तो अपना एस्टिमेट, मैंने भी तो बोला 650 तो हमारी है ही, वंशिका तो आई है, बाकी हम तो है ही है पूरे 700 पक्का ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता नहीं आ रहा है, मूड भी ऐसे ही होता है, पक्का है वो मना कर रही है तो।
फिर मैंने उसे कहा कल कल पार्टी है, कल आ जा। कह रहा ठीक है। लड़की ने उधम हुआ मचा रखा है। आता भी है और नहीं भी आना, मेरे को समझ में नहीं आती है उसकी सिस्टम। आना तो तुम अपना आओ और फिर अपने रहो ना। वो आएगा दो दिन, आया उस दिन आऊंगा आऊंगा दीदी, मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। जब वो ट्यूशन आता था ना, मेरे को पढ़ रहा है इतने सालों से, वो लगातार कभी आए नहीं, इतनी छुट्टियां करता था वो। पता है क्यों, किस वजह से, किस वजह से छुट्टी करता था? हाँ दोनों बजा था। और ये शिव जी गणेश जी का मंदिर है ना, इसमें जाना होता था। दस दिन की छुट्टी वही चाहिए इसको। फिर मैंने बोला तू नहीं आएगा, फिर ये इसके नंबर कमाने लग गए थे। एरिया फाइंड आउट करना, तो एरिया भाई तुम्हारा गलत आया है। फिर भी कहीं कहाँ का चल जाता था सुबह सुबह ही। कीर्तन भी ले ले, कंपटीशन ले ले, सभी उसके साथ ही होता। कंपटीशन पूछ इससे, तबले के कंपटीशन में जाना है जी। कब तबले की प्रैक्टिस, यहाँ से जाने वाला प्रैक्टिस करने जाता था। यहाँ से ट्यूशन 5:30 बजे छुट्टी करती थी मैं, तो वो जाता था 6 बजे कहीं और, 6 से 7 बजे तक है ना तबले की प्रैक्टिस के लिए, कहीं सर के पास अपने गुरुजी के पास। वहां से आके फिर जाता था मैंने काम का काम वाम करना। और ऐसा लड़की ने मेरे को बहुत परेशान, ये मैंने फिर बायजूस खोल ली। बायजूस तो वही होता है ना, इरिटेट कर देता है। अरे पर तेरा आंसर सही है, मैं तुम्हें को निकालने की जरूरत ना पड़े बस, क्योंकि मैं निकालना नहीं चाहता। 5.44 मीटर एरिया आ रहा है ये। मिनट भाई, लेटरल सरफेस एरिया निकालना, बेस एरिया। लेटरल जब लोग उसने क्वेश्चन, तो ये तो देख लेटरली तो होगा, क्योंकि उसने लीड हटा दी ना, लीड का थोड़ा निकालना। इग्नोरिंग द थिकनेस, इट इज ओपन एट द टॉप, टॉप से भी है, क्योंकि लेटर में हम ना टॉप काउंट करते ना ही बॉटम। तो लेटरल निकालना है इसका। लेटरल के लिए फॉर्मूला लगता है 1+b, ये फॉर्मूला होता है लेटर एरिया का। ये हमेशा क्वेश्चन में याद रखिए, जो हम जो भी जिस जिसमें हमारा टॉप नहीं काउंट होगा ना, बॉटम काउंट नहीं होगा, समझ लें वहां पे क्या निकालना है, लेटरल। तो उसमें फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है लेटर एरिया का और बेस एरिया का। बेस तो हमारा वही लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू साइड, लेंथ ब्रेथ वाइज वाइड, ठीक है। हाँ ठीक है, एरिया तो हमारा नॉर्मल है, लेकिन लेटरल में क्या होता है, वो काउंट नहीं होता है। तो लेटरल के लिए फॉर्मूला हमारा दूसरा यूज होता है। इसमें सिर्फ एल क्या है हमारा, एल क्या मजा आ रही है, तिवारी बता रहे हैं, तिवारी तिवारी कोई है, विधान तो देखते हैं, विधान तो नहीं है, विधान तो भी
2LH, 2BH, plus LB. ये सब में से ये फॉर्मूले कहाँ से लगा रही? डबल बेड ट्यूब लगा रही है। एरिया शीट ऑफ रिक्वायर्ड। हमारा तो नॉर्मल एरिया निकालने का फॉर्मूला नॉर्मल ही है। उसमें भी ऐसे कर रहे हैं ये। इनकी ना गवर्नमेंट की खुद की भी होनी चाहिए, है ना? वेबसाइट ये दूसरे घुस जाते हैं बीच में, कंफ्यूज कर देते हैं। हमारा ना अपना भी ना, जो हमारा अपना आंसर होता है वो अब हमें जो एनसीईआरटी में दिया उसके अकॉर्डिंग तो निकालेंगे हम फॉर्मूला वगैरह। ये अपने अपने कौन कौन से फॉर्मूला निकाल रहे हैं? ब्रेनली में देख लो, उसको भी आता है। अब ब्रेनली भी वो मांगता है, मैं अपने क्वेश्चन ढूंढती हूँ ना कभी कभी, मैं अपने क्वेश्चन मेरे रिलेटेड मेरे सी सेट के वो क्वेश्चन होते हैं ना, डालूंगी गूगल पे कि मेरा आंसर क्या है, इनका आंसर क्या है। दो बार आएगा, क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ और हाइट, हाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्योंकि उसके जो हम नीड है ना वो काउंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऊपर से वो क्या है, ओपन है। अब वो ऊपर से ओपन है तो लेटर एरिया लगेगा, और वो ओपन नहीं होता तो बेस एरिया, तो ये दोनों एरिया यूज होंगे, लेटर एरिया और बेस एरिया। तो लेटर एरिया का फॉर्मूला अलग है, बेस एरिया का अलग है। तो लेटर एरिया का हमारा अकाउंट 2LB इंटू हाइट, यही है हमारा 2LB इंटू हाइट प्लस LB, और फिर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि इन्होंने ये बोला है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? शीट। तो ये बोल रहे हैं लॉन्ग इतना है, वाइड इतना है और डीप इतना है, तो इट ओपन एट द टॉप, जो ऊपर है टॉप पे उधर से वो खुला है, तो इग्नोर करो उसे, मतलब उसकी लीड नहीं बनानी है, लीड नहीं बनाना, कट नहीं बनाना उसका। तो द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, और हमें प्लास्टिक शीट को ना जो उसकी बना जिसका हमें एरिया निकालना है उसको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए तुम्हारा ये फॉर्मूला ही बनेगा, लेटरल एरिया प्लस बेस एरिया। तो बेस एरिया और लेटरल एरिया को मिला के फिर उनको प्लस करके देन यू विल गेट योर आंसर, इट इज योर जीरो नंबर। द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग the walls, a white washing हमारे walls पे की है, तो उसकी cost find out करनी है room की, and ceiling at the rate, जो हमारी ceiling है, ceiling, अब ceiling वाला क्या हो गया, हमारा letter area वाला पड़ गया, उसमें भी तो यही था, ceiling का उसमें ढक्कन हटा रखा था, तो इन्होंने इसका अलग निकाला है और इसका अलग निकाला है, वही ऊपर वाले की तरह base area अलग और letter area, आया समझ में? ये डेफिनेशन क्या है? आपने ये बताया था 6a का स्क्वायर।
जिसमें 6 एकर स्क्वायर में थर्ड क्वेश्चन है वो जी हां आप लोग सुनो मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रही हूं तो क्या कंफ्यूज कर रहा है मुझे एक तो क्वेश्चन नंबर नहीं है ये कौन सा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन इट इज दिस ये तूने गलत किया था ना तो आई डू दिस हियर 94 तू कैसे कह रहा 70 लाए दीप तुम नहीं इधर 70.5 आता आपको ये 94 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना फिर मैंने नहीं की थी नहीं तो तूने कैसे कर ली फिर मैंने नहीं फिर आपने मेरे को बोला था 94 से इसकी मल्टीप्लाई कर दे 705 आंसर आपने चेक भी करा था इसका पीछे 555 आ रहा है पीछे मतलब वो एक्स वो नहीं आता आंसर शीट उसमें 555 आ रहा है 13.1 है ना मैं भी सेकंड की बात करना चाहूँगा हाँ सब सेकंड इनका देख लेते हैं इनका पॉइंट में आ रहा है पॉइंट में आ रहा है इनका भी फिर इन्होंने भी तो 7.50 से इनको किया है तो इनका पॉइंट में कैसे नहीं आ रहा हमारा भी सही है फिर 7.50 आएगा कैसे इधर मल्टीप्लाई करके देखा 7.50 70.5 नहीं आएगा ये देख डफर का इनका 70.5 बल्कि 7.50 है ये नहीं है 7.50 है ये 7.5 ये देख 7.50 7.50 को मल्टीप्लाई करना था 74 से मतलब That's your choice. Totally your choice. अच्छा लगे कोई खालिया क्योंकि इसमें लीड का अलग फाइंड आउट करना है बेस एरिया अलग फाइंड आउट करना है तो लीड के लिए और लेटर लीड वाला हो गया लेटर का तो उसके अलावा रे एल टू इनटू एल प्लस बी इनटू इनटू हाइट प्लस टू बी इनटू एच आएगा शायद हाँ प्लस इनटू हाइट अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं इन केस टू एल कितना है हमारे पास इसमें 5 × 4 ठीक है और हाइट कितनी है हमारे पास ये 3 प्लस अब इसमें क्या है एल कितनी है हमारे पास बी कितनी है हमारे पास एल 5 है बी 4 है इनटू हाइट कितनी है हमारे पास 3 तो 5 और 4 9 9 3 12 9 3 27 27 को 2 से इनटू करो 54 प्लस का प्लस 4 × 3 = 12 या मेरी हाइट तो गलत नहीं ले ली है सही है हाइट इज द 3 ब्रेथ इट इज द 4 राइट तो कितना हो गया 24
तो एल हमारे पास चार है, सही तो है, हमने गलत लिया है यहाँ पे। एल बी है ना, एल बी मैंने फॉर्मूले लगा दिया ना, एल बी है यार, बी एस बी है, एल बी लिखा है। फाइव और फोर, बीस, बीस और चार, बीस दूनी चालीस, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सही कर दिया, ठीक है, चालीस आ गया, इसको इससे प्लस कर दिया। फोन नहीं चला रहा मेरे साथ, फिर यहाँ पे ये आ रहा है, ये समझ नहीं एक बार अगर विंग किया कि पापा चट देनी माए विंग किया पिंक किया निकालने वाले की कितने निकले? अरे भाई देखे तो 6 मिनट में ऐसे निकाल दी बच्चों की तरह। जी सही आ रहा है आंसर भी।
अरे तो ये 6 मीटर मुझे 6 से देखूंगी इसको क्या मिलना चाहिए इस नंबर का क्वेश्चन कोई सही नहीं है आंसर तुम्हारा कुछ भी सही नहीं है ये आंसर नहीं है ये तुमने सारे रफ करा तू कौन सी क्लास में और ये तरीका देख ले इसका 9th क्लास में डिवाइड करने का मुझे पहले भी सही करना तो मुझे नहीं आ तो वो क्वेश्चन तरीका वाला होगा ना नहीं नहीं ऐसा ही था नहीं ऐसा ही था कैसे सही कैसे कर दूंगी मैं इसको हैं जी ऐसे ही था आपने सही करा था पेंटिंग ऑफ इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट पेंट एन एरिया दिस दिस मीटर ठीक है हाउ मेनी ब्रिक डायमेंशन दिस 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 पेंटेड ऑन ऑफ द कंटेनर हाँ भाई ये देख इसने 100 निकाला तो निकाला कैसे मुझे ये बता पहले ये 100 डेसिमल्स दोनों हटा के तो दिखाओ डेसिमल्स नहीं हट तो गए ये पॉइंट तो हटा डेसिमल तो हट गया ना तो 100 आ गया देख इसने डेसिमल ऐसे हटा दिया तो 100 आ जाएगा सबसे नीचे देख ये सब तरीका है क्वेश्चन करने का डिवाइड करके दिखाना पड़ता है इसको इन दोनों को और यहाँ पे इसको रखो 9.735 इससे ये कट जाएगा 100 इसको नंबर एक ही दे दूंगी बस बाकी और कुछ नहीं रहेगा तुझे पेज पास पढ़ के देंगे तो क्या अपनी कॉपी के अंदर रखो नहीं कॉपी नहीं उसने भी तो कॉपी में रख रखा है नहीं इसकी कॉपी इस कॉपी का नहीं है नहीं किसी भी कॉपी का हो कहीं से भी हो दिमाग नहीं है इस लड़की के अंदर उसने भी तो कॉपी में धरा हुआ है अपना टेस्ट जब तुझे उससे पटवाओ तो और कैसे मारेगा फिर वो हाथ से मारते हैं ना इसको बिन डंडेंगे पिटवा दो जिससे अगर तुम्हारा ऐसी हरकत है कि पेज फाड़ फाड़ के नहीं मैं तो नहीं मारा मैंने मांगा था किसी से दिमाग में आपने किससे मांगा नहीं से मांगा मेरे को उस टाइम वो नहीं था नहीं भर गई थी मैंने नहीं पढ़वाएगा डंडी उससे नहीं हाथ पे मारी डंडी हाँ मार तेज की बहुत तेज की लाल होना चाहिए मैं
बोलूंगी दिखाने के लिए कुछ एक नंबर वो भी फॉर्म लेके दे दिया मैंने कहा कोई बात नहीं काट दिया अदरवाइज सब में जीरो ही है वो मैंने दे दिए मैं देती भी नहीं यहाँ पे भी ये भी दो पेज मिलते हैं उसमें भी देखते हैं उसमें भी मिलते नहीं मिलते हैं तो थोड़ा तो लाएगी उसमें ऐसे थोड़ा जाता है उसमें बातें बातें ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो जीरो इतनी थोड़ा चीज दिख जाएगी भाई अब क्वेश्चन मैं उस हिसाब से बताऊंगी ना जिस हिसाब से अब तेरा नंबर ही नहीं आया तो मैं कैसे बताऊंगी अब तेरा पूरा क्वेश्चन सही है सब कुछ सही है तो मैं वो नंबर पूरा दूंगी ना जब जो उसमें से सारी चीज सही है क्यों है एक नंबर के सारे तीन नंबर के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है तो अब उस तरह एक भी सही नहीं है उसमें फॉर्मूला भी सही नहीं है तो फिर मैं कैसे दे दूंगी फिर तो मैं तुमको जीरो ही नंबर दूंगी ना फिर क्यूबिकल बॉक्स हैज अ ईच एट 10 सेंटीमीटर एंड अदर क्यूबिकल बॉक्स इज अ 12.5 लॉन्ग पे इसमें तो मैं लेटर ले लूंगा नहीं का पहले गारंटी से सही है तो जी हां सही है मैंने कहा था कि चीटिंग में करा दे चीटिंग नहीं करी रुक जाना कि चीटिंग करे तो पाले वाले सही होते जल्दी कर ले उसको पढ़ाना है पांच बजवा दिए गूगल वाले क्या कहते हैं अरे ये तो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं मैंने कहा अपना दिमाग सही चलता है बिल्कुल फ्रॉम है ना इंसान अगर इसमें घुस जाए ना तो भैया पागल हो जाए सुबह के हमारे टाइम पे ये चीज चलती नहीं थी हम तो पागल हो जाते आधे मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा रही थी तो जब मैं खुद ही पागल होती ट्यूशन पढ़ाई जब हम पढ़ पढ़ के पागल हो गए तो मेरे को पढ़ाए पढ़ने का मतलब कि कंफ्यूजन इधर से सोर्सेज आ रहे हैं इधर से सोर्सेज आ रहे हैं इधर से सोर्सेज आ रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है ये फिफ्थ है काम है आप देख लो बता दिया लग जा रहा है देख लेते हैं ना कि क्लियर हो जाए कल तेरी भी ऐसी हालत करूंगी मैं ये तो नहीं सामान लेने मैं बैठ के टेस्ट चेक करूंगी मैं जब तक सामान लेके नहीं आएंगी कर ले काम पूछ ले ऐसी करती हूँ मैं खाने का मुझे चौमिन सॉफ्ट एक कुछ ऐड कर लो जो करोगे इसमें छोले भटूरे करवा लिया तू मैं देख रही हूँ पैसे बच रहे तो कहाँ कर क्या करेंगे पैसों का कोई चल पाव वाली बनवा लो ठीक है ठीक है पाव वाली चलें ठीक है
दो बार क्यों किया है क्वेश्चन? नीचे में जोड़ना था
सिक्स ए का नहीं करना था, फोर ए का ही करना था। फोर हंड्रेड आ गया, फोर हंड्रेड का उसका उसका जो सरफेस एरिया दूसरे वाले का उसका कितना निकाला तूने? 360 का है ही नहीं इसमें, नहीं 320 माइनस कर दिया ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट वाला तो जो वो वाला तो आया ही नहीं है इसमें। नहीं तो फिर वो भी तो है, दोनों ही है। ये देख, ये देख, यहाँ पे तो हमें फोर से करना ठीक है, मुझे मैंने पहले बताया हम फोर से होगा ठीक है, और ये देख बाद में कर रखा है सर, और ऐसे ही उस क्वेश्चन में बाद में कर रखा है। उसका निकल गया हमारा क्यूब का बोला था, फिर मैंने तो क्यूबॉइडल का भी निकालना है, फिर उन दोनों को प्लस करके तब होगा। ये घर के लिए दिया था मैंने क्वेश्चन, तो थोड़ा दिमाग जो सुनता, मैं तो बोलती हूँ तो सुनता नहीं है क्या है तेरे को? मैंने नहीं समझाया था ये क्वेश्चन, मैंने करा नहीं था, मैंने करा था, मैंने बोला कि तो टाइम थोड़ा हो गया, मैं तुझे कल करवाऊंगी, नहीं तो मैं तुझे समझा देती, तो घर से करके लगी हो, यही बोला था ना, यही क्वेश्चन था। मैं मारूंगी मैं प्रैक्टिस बोली करवाया था, सिर्फ क्वेश्चन वो फॉर्मूला तो अलग, ये तो गलत है ना, और जबकि तूने को वर्ड का निकाला ही नहीं है, क्यूब क्यूब का ही निकाला है, फिर एक ही नंबर मिलेगा इसका, मिलेगा तो बस इसी इसी का 400 का, क्योंकि क्यूबॉइडल का तूने नहीं निकाला, एक ही का निकाला है क्यूब का। मतलब तो फिर कैसे करना होता है, ये नीचे लाना होता है यार, फोर ए का तो ठीक है। अब वहाँ पे ना दो थे, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, ये बोल रहे क्यूबॉइडल है ना, ईच एंड्स उसके हर एक एंड्स होते हैं क्यूबॉइडल के, वही अब ये बोल रहे हैं एंड अनदर क्यूबॉइडल, जो दूसरा क्यूबॉइडल है उसमें दे रखी है लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, तो ये वाला क्यों नहीं निकाला? क्वेश्चन नहीं पड़ता क्या बिल्कुल भी? फिर ये तो वो वाला हो गया, तो ये वाला क्यों नहीं निकाला? और टेस्ट में क्वेश्चन पढ़ के नहीं किया तूने? निकल जाते क्वेश्चन पढ़ के तो पता है, नहीं क्वेश्चन पढ़ के, और तुझे मैंने होमवर्क में दिया था ना क्वेश्चन, प्रैक्टिस करनी थी मैंने, करने के लिए दिया था होमवर्क में, और मैंने समझा दिया था, मैंने बोला था चल फोर से, अब मैंने ये बोला था कि इसका फोर से निकलेगा क्योंकि इसमें ब्रेथ, क्योंकि लेटर लेने निकालना है इसमें, जिसमें हम बॉटम और टॉप नहीं लेंगे, तो उसमें हमारा फोर, क्योंकि दो हट जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास फोर, तो इसको उससे कर लिए, और बाकी इसका क्या निकालेगा लेंथ ब्रेथ हाइट, ये क्यूबॉइडल है इसका वो फॉर्मूला की इसकी एरिया निकालियो, तो ये हमारा बेस एरिया और लैटरल एरिया, उन दोनों को प्लस कर लियो तो हमारा वो फाइनल एरिया देगा, और उसकी कॉस्ट निकालने के लिए इसको उसके टोटल एरिया से इनटू कर दियो। ये मैं तो ये क्वेश्चन समझाया था, घर पे करके लाना ये वाला, बाकी फिर मैंने बोलता ये वाला, ये वाला मैं यही करवाऊंगा, ये वाला मैंने यही करवाया है, अपना दिमाग का भी यूज ही नहीं करते, दिखाएगा इसको पीछे भी है गैस के, ये तो बोलता अ स्मॉल इंडोर ग्रीस, एरिया निकालना है इसका, एरिया क्या निकाला तुमने? इसको ठीक है, ऐसे फाइनल आंसर देख रहा है, फाइनल ही सही नहीं आ रहा है, और एरिया की वो नहीं पाने, पूरा क्यों नहीं करा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता क्या तुझे? नहीं पढ़ा था मैंने, फिर आंसर नहीं आ रहा था, मैंने करके भी देखा नहीं था, पूरा क्वेश्चन किया ही नहीं, इसका भी एक ही नंबर मिला,
और आसान थे। 6.25 बिगर बॉक्स का है। हाँ। इतने बड़े बड़े नंबर का क्वेश्चन बनवा रही है आंसर ये देखो 6 नंबर इनको 4 नंबर का 6 नंबर का 3 नंबर का इसको क्या बना रहा है कुत्ते को कर दे मेरा 54 ही आ रहा है ये निकाल ले फॉर्म में देख लो क्या बोल ये बोल रहे हैं टार्सलिंग विल बी रिक्वायर्ड टू द टॉप एंड फोर वॉल्स अब टॉप के लिए चाहिए और चार वॉल्स के लिए चाहिए ऑफ द शेल्टर एरिया तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप और हमें बेस के लिए भी चाहिए तो हमें फॉर्मूला लगाना था एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी इसका फॉर्मूला ये होता यही तो है सेम टू सेम टू ये तो अंदर कर ले बाहर कर ले सेम फिर तो इसने गलत कर दी इसमें बदतम इसको ये पढ़ना नहीं हाइट 2.5 है ये क्या है अरे क्वेश्चन पढ़ाई नहीं है इसने पता नहीं कहां से क्या पढ़ के गया हाइट को 2 पॉइंट करा लेंथ है वो लेंथ लिख दिया और आंसर गलत आ गया भाई एल को कहीं और लिखोगे हाइट के साथ नहीं हाइट की जगह नहीं लिखोगे तो फिर हाइट की हाइट कुछ और लिख दिया एल कोई और लिख दिया और कह रही थी मेरा यही आंसर आ रहा आपने यही सिखाया है दिया फिर तुम्हारे अरे फॉर से नहीं से करने से नहीं मैंने बोला था ये फॉर्मूला लगाना है ये वाला और इससे हो जाएगा कुछ मैंने नहीं करवाया था लेकिन मैंने समझाया था ना फिर तो तेरा 54 कैसे आया तो तुझे ये नहीं पढ़ना आ रही है हाइट क्या लिखी है 2.5 मीटर इसकी मम्मी को देखो यही टक्स 0 नंबर क्या 24 कहां से आ गए
24 में से 5 नंबर ये प्रैक्टिस नहीं करता। एक दो इसकी मम्मी को दिमाग लगी हो साइंस वाला का एरिया नहीं। एक दो तीन चार छह नंबर आए हैं इसके। तीन ये है ना और तीन नंबर ये एक दो तीन वन फोर मैंने दे दिए नंबर का एक पार्ट इसके तो जीरो क्योंकि आधे क्वेश्चन तो ये थे ही नहीं जो तेरा आंसर कर दो क्योंकि यार मैं पढ़ नहीं सकती दोबारा दोबारा क्वेश्चन और फिर दिमाग नहीं लगा सकती। सही है मैडम हमारी मैडम को मिल जाती थी मार्क। क्या बोलते थे वो मार्कशीट फुल मार्क ग्रेस जिसमें आंसर आंसर लिखे होते पेपर में मार्कशीट सॉल्विंग बुक आंसर शीट ए बार सी आंसर शीट एम आर आई आंसर आंसर शीट मिल जाती थी मैम को। मैडम कहते थे आंसर शीट मिलती नहीं थी हां यहां पे लिखे होते थे सारे आंसर इसलिए पेपर है तो चेक कर लेते पेपर ही मुझे देखा आंसर ये मार आंसर पहले मिल जाते चेक कर लेते तो वो कॉर्ड भाई से आते थे कि बेसिक तो वो थोड़ा दिमाग लगाती थी उधर वो तो इसमें से मिला ठीक है चल आंसर मिलना चाहिए बस। तो ये मैं हमारा को कॉर्ड में नहीं चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन का है तुम्हारा कॉर्ड दिख रही है तो सब सही सब कहीं गलत नहीं है बॉस तुझे भी नाइन्थ में क्या रहा है ये तुमने गलती यही कर दी दो सेट कर दिया 74 के चक्कर में दूसरा दूसरा ये बेस अलग निकालना था लेटर लाइन निकालना ये ना नोट हो रही है उसमें सारी चीजें क्या कर रहा है ये काम कर रहा और ये भी नोट हो रहा है कि आई एम बिजी और तू क्या कर रहा है यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा हूँ कहाँ पढ़ रहा है बैठ रहा है 8 घंटा स्कूल में बैठते हो नेक्स्ट बैठते हो फिर भी तुम्हारी पिछवाड़ा दर्द नहीं होता हमारा तो हो जाता था हमारा दर्द होता था तो उठ उठ के चल जाते थे क्योंकि ऐसे पैर रखे रखे ना हमारे पैर भी दर्द हो जाते थे सूज जाते थे नीचे वाला नीचे रहेगा किसी किसी बच्चों के पैर सूज जाते थे। अभी आप नहीं आते स्कूल कौन सा फॉर्मूला आपने फॉर्मूला अलग बताया ना
छह मीटर वाला कह रही हूँ, ये वाला अच्छा लगता था, भला था छह मीटर वाला। इसने बच्चों की तरह निकाला है, डिवाइड करके इसने ऐसे निकाला है, काट काट के फिट सही है। हाँ तो उसके लिए क्या रहा है ये, इसका सही है तेरे छह नंबर का था। और इसने 100 वाला भी ऐसे निकाला है, उसके नंबर थोड़ी कर दो, अरे ये बजा लेंगे, चिन्नी उड़ गए अलग को डांस कर रहा था चटनी वाली ये मेरा
तेरा फाइव क्वेश्चन निकालना निकलेगा तो एरिया तो निकला है ना तो एक नंबर को मिलेगा एक नंबर मिलेगा इसका दी मेरे को कहीं रुक क्या हो रहा है ये शैडो उस हिसाब से मैंने बोला था कि चिल्ली पटेटो खा के फिंगर मंगा लेंगे रेट भी सस्ता होगा और
खाने में सही रहेगा। चिली मटर थोड़ा गीला गीला खाते हैं। तो मैं यही बोल रही थी चिली मटर से थोड़ा हैवी मिल जाएगा। पहले भी हम खाया गया था, एक दफा दे दिया था। खाना कितने लोगों ने वेस्ट किया था, वेस्ट भी कितने लोगों ने किया था, तो मैं यही बोल रही थी। पेस्ट्री पेस्ट्री नहीं, समोसा मिरिंडा कोल्ड ड्रिंक दी। मिरिंडा नहीं, अपने वाले दो लीटर आता पड़ेगा एक के साथ बड़ी छोटी क्रीम दो प्लेट से वो कलर और चम्मच कितने सारी मांग लिया खुले खुले से थोड़ा सही रखते हैं। उसे लोग भी तो देखते है ना, पहली बार सुन रहे पार्टी, हम तो करते हैं हर साल उस हिसाब से रेट और उस हिसाब से क्वांटिटी और क्वांटिटी वगैरह हम रखते हैं, सबको बराबर मिलती है, लोगों से खाई भी नहीं जाती है। चिल्ली पोटैटो और वो 50 हाँ तो तू बोल ना, तू काउंट भी तो कर ले लोग। तो इसके भाई भी तो आ रहा है, तो सही तो है, उसको तो अपने लग आएगा, आएगा भी तो, अब उसको क्या पता, वो तो इसको बोल रहा है 50 रुपये तू देगी। हम तो रखेंगे समोसा भी जो हमारी चॉइस की होगी। मेरे पेट में साथ में चाय कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है ना, तरल पदार्थ। कोल्ड ड्रिंक तो पी भी नहीं गई थी अभी हमने, पहले हमने तो एक ही खाई थी ना, और तब कितने लोग थे 19 हो भी गई थी, और फिर ये सुन डबल डबल टाइम दे दी थी हमने, और एक ही कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी हमने। हाँ और तू ये सुन ना, अब लोग कम है, पैसे उतने ही है, फिर ज्यादा मिलेगा या हम वैरायटीज बढ़ा देंगे, तो मैं हम वैरायटीज बढ़ा देंगे ना, तो उस हिसाब से मैं बोल रही थी थोड़ा थोड़ा मतलब लेगा तो पेट भर जाएगा, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक थोड़ा पी ले, थोड़े घर में ले जाओ पानी ले, रात को खाली मिल जाएगा, आधे कार्ड लेके आना। ये जैसे समोसा हुआ ठीक है, वो है कर जाएगा। चिल्ली पटेटो कितने के आते हैं भाई? तो प्लेट नहीं पता, वैसे ले लो 50 की हाफ आ जाएगा, 25 रुपए हाफ, 25 के हाफ है, हाफ में कितना होता है, हाफ में आ जाएगा। वही वाला सही है, वो अलग वो अलग। और फिर हमने क्या मंगाया था, हमने उससे पिछली बार मंगाई थी ना,
चाउमीन लो भाई जी, दिखाती अभी फोटो है नहीं।